जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक के ऊपर। देखा जाए तो ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटल मजबूत भी हमको देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे उस स्टॉक से अभी दो बड़ी अपडेट्स यहाँ पे हमको आती हुई देखने को मिलने वाले हैं, उसी को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस स्टॉक से रिलेटेड अगर हम बातें करें तो इस स्टॉक में एक के बाद एक बड़ी न्यूज़ हमको यहाँ पे आती हुई देखने को मिल जा रही है, मतलब बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पे होती हुई लगातार यहाँ पे हमको सुनते हुए देखने को मिल जा रही है। तो देखा जाए तो जितने भी डाटा हमको इनके देखने को मिले उस हिसाब से, उस बेसिस पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि या आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है एंड अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे आपको दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। सो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस स्टॉक की यहाँ पर हम बातें करें, आज उनका यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला था जो कि यहाँ पे आ चुका है, उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे एंड जो दूसरे अपडेट है उसको हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे इस रिजल्ट में वो रुपीज़ इन लाख्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड इस लाइन में जो भी डाटा देखने को मिलेगा वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे लास्ट क्वार्टर एंड यहाँ पे लास्ट ईयर का डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम की बातें करें जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम से मिलकर के बनता है, वो आप देख सकते हैं कि 43,762 यहाँ पे हमको देखने को मिल रही, लास्ट क्वार्टर 40,000, लास्ट ईयर की बातें करें तो 37,764। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू वो हमको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली ईयरली दोनों ही बेसिस पे हमको जो रेवेन्यू हो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसे देख करके हम कह सकते हैं कि हमको एक तसल्ली होती है कि हाँ हमारी कंपनी जो है वो यहाँ पे अच्छा काम करते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। उसी के साथ साथ अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बातें करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी यहाँ पे एक्सपेंसेस है, उसको मिला करके टोटल एक्सपेंसेस बनता है। तो इस बार का जो एक्सपेंसेस है वो आपको हम बता दें कि 39,660 यहाँ पे है, एंड लास्ट क्वार्टर की बातें करें 30,701, एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 29,992। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इस बार हमको देखने को मिल जा रहा है क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे, जबकि हम यहाँ पे अगर रेवेन्यू जो देखे थे दोस्तों उसकी अगर हम बातें करें तो यहाँ पर देखिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिला, लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ। तो इस बार का जो एक्सपेंसेस है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करेगी तो जाहिर सी बात है तो खर्चा भी वहां पे ज्यादा होते हुए हमको देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पर हम आ गए हैं अब इस बार का प्रॉफिट, अगर देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि 2,720 इस बार का जो प्रॉफिट है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला है 2,720, एंड लास्ट क्वार्टर की बात करें तो करीब 7,000 हमको देखने को मिल जा रही है। सो आप देख सकते हैं कि इस बार जो लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस है उससे अगर तुलना करें तो बहुत ही कम, हमको लगभग आधा से भी कम होते हुए हमको देखने को मिला इस बार का प्रॉफिट, जबकि लास्ट ईयर से बेसिस पे तुलना करें तो इस बार का जो प्रॉफिट है आप देख सकते हैं कि उससे हमको बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। लास्ट ईयर की अगर परफॉर्मेंस बात करें तो 2100 यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ था, 2100 लाख का। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी का जो डाटा हमको यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिला है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर बेस अच्छा देखने को मिला है, एंड वहीं पे अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस की बातें करें तो वहाँ पे पोजीशन ख़राब हमको देखने को मिल जा रही है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें दोस्तों कि जो बड़े एनालिस्ट होते हैं, जो बड़े पूंजी वाले लोग होते हैं दोस्तों, जिनको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज होता है, तो उन लोगों की अगर हम बातें करें तो वो ईयर और ईयर बेसिस परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ना कि क्वार्टरली। क्यों ऐसा वो क्यों करते हैं दोस्तों, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्यों कि जो क्वार्टर बेस की अगर हम बातें करें दोस्तों तो उसमें कुछ चीज़ें ऊंच नीच होते हुए हमको देखने को मिल जाती है, लेकिन ईयरली में ऐसा कुछ हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से जो बड़े एनालिस्ट, जो बड़े पूंजी वाले लोग हैं, जो बड़े जानकार लोग हैं दोस्तों, वो लोग ईयरली बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, एंड रिजल्ट यहाँ पर देख करके हम बोल सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट आया है वो हमको शानदार देखने को मिल जा रहा है, ओके बोल के यहाँ पर हम चल सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड किए होंगे उनके लिए भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। देन उसी के साथ साथ अगर ईपीएस की बातें करें तो आप देखिए ईपीएस जो है 0.85 लास्ट क्वार्टर, 2.16 एंड लास्ट ईयर 0.65। तो जैसे हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला उसी हिसाब से हमको यहाँ पे ईपीएस भी देखने को मिल जा रहा है।
उसी के साथ साथ एक और धमाकेदार यहाँ पे जो खबर है इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ साथ, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे हमारी कंपनी ने यहाँ पर आप लोगों को डिविडेंड भी दिया है, जो कि फाइनल डिविडेंड यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जो कि ₹1.20 यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। फाइनल डिविडेंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग यहाँ पे नए नए हैं उनको यहाँ पे नहीं मालूम होगा, तो उनको हम बता दें कि जो फाइनल डिविडेंड होता है उसमें अभी जो शेयर होल्डर्स है दोस्तों उनके परमिशन की आवश्यकता होती है, तो जब यहाँ पे शेयर होल्डर्स की परमिशन यहाँ पे मिल जाएगी तब वहाँ पे जा करके आपको ₹1.20 आपके अकाउंट में आते हुए देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड का पैसा आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंट में आता है, ना कि डिविडेंड, ना कि डीमैट अकाउंट में, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी पहली खबर, एंड हमारी जो दूसरी खबर, सो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने दूसरी न्यूज़ के ऊपर, जो कि एक बड़ी अपडेट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो वो अपडेट है आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी की यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है रेलटेल, यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो रेलटेल ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि उन्हें यहाँ पे करीब 90 करोड़ के आसपास का यहाँ पे वर्क ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ मिलते हुए हमको देखने को मिला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। सो आप देख सकते हैं कि करीब 89.09 ही बोलते हैं, डायरेक्ट 90 बोलने से क्या फायदा दोस्तों। तो चलिए 89.09 करोड़ का यहाँ पे इनको हमारी कंपनी को वर्क ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए हमको देखने को मिल जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मंडे को शेयर्स में जरूर देखने को मिलेंगे। एंड इस डील की अगर हम बातें करें, इस ऑर्डर की यहाँ पर अगर हम बातें करें, तो इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 2 साल का यहाँ पे हमको रहते हुए देखने को मिलने वाला है। तो 2 साल तक इस डील का यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड हमको देखने को मिल जा रहा है। एंड देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक के बाद एक बड़ी न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड आती है, तो यही न्यूज़ है दोस्तों कि यहाँ पे हमारी जो कंपनी है रेलटेल, अगर इसका जब से ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी अभी हाल ही में आई है, तो जब से यहाँ पे लिस्ट हुई है तब से अगर हम बातें करें तो करीब यहाँ पे 5 से 6 यहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स होते होते हमको देखने को मिली है। तो 89 करोड़ का हमको देखने को मिला है, लेकिन और जो डील की बातें करें वो सभी हमको ठीक ठाक अमाउंट्स पे देखने को मिल जाती है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कंपनी में फ्यूचर यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। देन यहाँ पर हम सीधा अपने कंपनी के ऊपर आ गए, आज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखिए कि करीब 0.68% की यहाँ पे हमको रैली देखने को मिली है। ओवरऑल अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह कंपनी जब लिस्ट होती थी तो या करीब 160 से ऊपर ही यहाँ पे हमको जाते हुए देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे जो गिरावट ही, मतलब उसके बाद हमको एक गिरावट देखने को मिली, एंड वहाँ से लेकर के तो हम कह सकते हैं कि अभी भी जो लोग यहाँ पे इस लेवल पे कंपनी को बाय किए होंगे वो घाटे में होंगे, लेकिन जो लोग कंपनी को जब लिस्ट होते उस वहाँ पे अगर खरीदे होंगे तो वो लोग करीब 22% तक यहाँ पे प्रॉफिट में हमको देखने को मिल जा रहे हैं। देन अगर यहाँ पर आज हम डिलीवरी की बातें करें आज की, तो आप देखिए कि 42% से ज़्यादा की डिलीवरी यहाँ पे होते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर 52 हाई की बात करें तो आप देखिए यह कंपनी 190 तक यहाँ पे जाते हुए हमको देखने को मिल जा रही थी, उसके बाद से यहाँ पे इस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ से कहाँ है, लेकिन अब यह कंपनी बाउंस बैक करेगी दोस्तों। एंड यहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है कि यह करीब 200 के टारगेट जो है उसको यहाँ पे अब पार करते हुए आपको देखने को मिल सकती है, तो इस कंपनी को जरूर आप अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन में बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि करीब 72.84% की होल्डिंग प्रमोटर्स खुद रख रहे हैं, तो यानी प्रमोटर्स को खुद अपने कंपनी में भरोसा है, इस वजह से ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे रख रहे हैं। पब्लिक की बातें करें तो 27.16% की होल्डिंग पब्लिक यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं दोस्तों, बिकॉज ये कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे लगातार एक से एक डील यहाँ पे हमको होते हुए इस कंपनी से देखने को मिल जाती है। सो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है, एंड अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो यहाँ पर लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।